आपको क्या लगा लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं? हाँ भैया, रिएक्ट कम कर गया जनता, रिएक्शन ज्यादा दे रही है। जैतपुर की जनता के भैया सहलियापुर वाले गांव वाले याद तो होंगे आपको, जो बकायदा भूसी लाद कर लाए थे, नौमी लाल यादव की बात कर रहे हैं, जो साफ तौर से गरिया रहे थे और कायदे समझा रहे थे कि जीरो बजट वाले विधायक जी अबकिल बार हवा हवाई रह जाएंगे और हम तो बकायदा उके लड़के को वोट डालेंगे जो बकायदा हार करके भी ओवरब्रिज का निर्माण करवाए देश। और का निधि पैसे नहीं? हाँ गौरव भाई, उस दिन भाई आए तो ये लोग हम लोग बिगड़े ने, कहीं आज तक हमरे निधि में कोई पैसे नहीं आवा, तो हवा हवाई है? तो हवा हवाई का वैसे वाट हवा हवाई हो जी है। अब कैसे जनता रिएक्ट करी और कैसे बकायदा रिएक्शन दे रही है आपने खुद देख ले। जैतपुर की जनता भैया वर्तमान के विधायक से बहुत खौरानी है, मतलब भैया बहुत गुस्सानी है। हमारी बातों करे जब कदम लगेगा, शुद्ध देहाती बोल रहे थे तो थोड़ी बहुत निकली जाती है। वैसे बैराठा भैया राम फेर अवस्थी जी का घर पड़ता है, जहाँ पर उनके पुत्र हैं शिवम अवस्थी, उनका जन्म संस्कार था। तो ऐसे बकायदा पीएल पुनिया जी पहुंच गए, जनसंपर्क कर ही रहे थे, तनुपुनिया को जिताने की अपील भी कर रहे थे, तेजुआपुर गए, भानमऊ गए, सराही जिला गए और बकायदा कई गाँव का भ्रमण कर रहे थे। जनसंपर्क के साथ साथ कह रहे थे कि तनुपुनिया को अबकिल बार भारी बहुमत से जिताना। वैसे हमसे मुलाकात हो गई तो क्या बोले सुनिए जरा। पुनिया जी, अभी आप जैतपुर में हैं, आपके बेटे तनुज जी चुनाव लड़ रहे हैं, अभी आप कई जगह गए, हमने भी देखा, आपको क्या लगा लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं? लोगों में सद्भाव है जी, और लोग चाहते हैं, मन से चाहते हैं जी कि तनुज अब की बार जीत के जाए और विधायक बने जी, जनता की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करे, और इस जो पूरा माहौल बना है पूरे विधानसभा में जी बहुत पॉजिटिव जी, उसके लिए मुख्यतः तनुज का अपनी सक्रियता जी, जो मेहनत और कार्यकर्ताओं की मेहनत, जो नेता है हमारे कांग्रेस पार्टी के उनकी मेहनत, उसकी बदौलत ये पूरा माहौल बना है। और जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं, BDC हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, उनमें सामंजस्य स्थापित किया है, उनमें एक माहौल विश्वास का माहौल पैदा किया है, जिसके कारण ये माहौल बना इस तरह। अब पुनिया जी के बगले में राज नारायण था भैया, क्या वो बहुत मुस्कुरा रहे थे और देखो कौन सा उत्तर दिया, बहुत लाजवाब उत्तर दिए। आपका क्या नाम है? राज नारायण। इस बार तनुज जी के बारे में लोग कहते हैं कि नहीं हम उनको वोट देंगे, हाँ, पार्टी की शायद भले कम बात हो लेकिन तनुज जी की बात होती है लोग सर्वे में, आपका क्या कहना, क्यों तनुज जी विधायक होने चाहिए? भाई उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, स्वभाव के तौर पर उनका वोट तो मिलना है, ये सब लोग साथ देते हैं। अच्छा वर्मा जी, आप तो इस इलाके में गांव-गांव जाते हैं, क्या लग रहा है लोगों को, वोट मिलेगी, अच्छी मिलेगी? किसको? तनुज पुनिया को। अच्छा क्यों? काम बढ़िया है, इनका स्वभाव बढ़िया है। अब वर्मा जी को स्वभाव बढ़िया लगता है, किसी को व्यवहार बढ़िया लगता है, लेकिन बकायदा तनुज पुनिया से जैतपुर की जनता बहुत खुश दिख रही है। अब 10 मार्च को कौन सा नतीजा दिखाती है ही देखना, लेकिन बकायदा देख लो आज पीएल पुनिया जी पहुंचे थे, जनसंपर्क कर रहे थे, कई गांवों को भ्रमण भी कर रहे थे। क्या पोजीशन है यहाँ चुनाव में? उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है, चूंकि यहाँ लोग जीतने के बाद क्षेत्र को आना पसंद नहीं करते हैं। 2017 चुनाव हारने के बाद तनुज पुनिया लगातार क्षेत्र में बने हैं और लोगों को विश्वास जीत रहे हैं। अब पीएल पुनिया का आशीर्वाद और बकायदा तनुज पुनिया की मेहनत और बकायदा भैया जनता का विश्वास, देखते हैं 10 मार्च को कौन सा नतीजा दिखाता है। पर फिलहाल बाराबंकी चंपा से उत्तर प्रदेश के लिए A24 की रिपोर्ट। वैसे बकायदा एक दीदी भाभी बकायदा इंतजार करेंगे कि तनुज पुनिया आएंगे जीत करके, तब भाई बकायदा चाय पिलाएंगे। पर वीडियो को शेयर करा लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस तरह के दमदार खबर मिलते रहेंगे आपको सिर्फ A24 पर। अब देखो बुरा ना मानना, वीडियो को शेयर करा लो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चाहे व्हाट्सएप का स्टेटस लगाओ, चाहे फेसबुक पर डालो, चाहे बकायदा इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर।